स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, फास्ट बॉलर लोग कभी देख सकते हो फिंगर यूज़ होता है रिलीज के टाइम, फिर नकल बॉल के टाइम भी फिंगर यूज़ होता है, कटर्स में भी फिंगर यूज़ होता है, तो सब बैट पकड़ोगे तो आपका फिंगर तो यूज़ होते ही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सभी क्रिकेटर्स जब भी बॉलिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे फिंगर में कभी कभी पेन रहता है, उसकी वजह से प्रैक्टिस मिस होता है। तो हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ महेश फ्रॉम JH05। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड काफ़ी यूजफुल होने वाला है सभी क्रिकेटर्स के लिए। तो आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा बॉल जिसे यूज़ करने के बाद आप सभी क्रिकेटर्स का करियर बदलने वाला है। काफ़ी यूज़फुल है वो बॉल। कुछ दिन पहले मेरे एक टीममेट वो बॉल लेकर के आए थे, तो मैंने वो बॉल यूज़ किया एंड जैसे ही मैंने यूज़ किया फिर मैंने उसका डिटेल लिया क्या इससे यूज़ होने वाला है, क्या इसका हेल्प होने वाला है सभी क्रिकेटर्स के लिए। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि ये बॉल मैं भी मंगाऊंगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्रिकेटर्स, इसके अंदर जो बॉल है जो भी हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इसको बोला जाता है जेल बॉल, और ये जो बॉल है ना ये सभी क्रिकेटर्स का करियर बदलने वाला है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्स। देख लो, हैंड एक्सरसाइज जेल बॉल। सो देख सकते हो ये जेल बॉल दिखने में काफ़ी सॉफ्ट है एंड इसका क्या यूज़ है आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा बॉक्स दिया है इसका एंड आई हैव बॉट दिस फ्रॉम अमेजोन। अगर आपको ये लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ले लेना वहाँ से। ये बॉल है एक्सरसाइज के लिए, सारे फिंगर्स के एक्सरसाइज के लिए बॉल है। तो जितने भी स्पिनर्स है आप लोग खुद देखो, आप जब इसको प्रेस करोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड काफ़ी पेन हो रहा है। ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, आपके फिंगर के स्ट्रेंथ के लिए ये बॉल काफ़ी अच्छा है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने इसे यूज़ किया था तो बहुत स्टिकी स्टिकी लग रहा था, मैंने यूज़ किया तो मैंने बोला भाई ये स्टिकी है। फिर जब यूज़ करने के बाद फिर मैंने हाथ को चेक किया तो वो पूरी तरह से नॉर्मल था, ठीक है। तो ये जो बॉल है देख सकते हो एकदम सॉफ्ट सा बॉल है, ये खेलने के लिए नहीं है, ठीक है। ये क्रिकेट में इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप स्पिनर हो, फिंगर स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर हो, जितने भी लेग स्पिनर है आपका रिस्ट का यूज़ होता है, जितने भी फिंगर स्पिनर है चाहे आप लेफ्ट आर्म हो या फिर राइट आर्म ऑफ ब्रेक हो, तो आपका फिंगर का यूज़ होता है, ठीक है, फिंगर का यूज़ होता है। तो आपका फिंगर में जितना अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा उतना अच्छा बॉल रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जितने भी स्पिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि आप इसको ऐड कर सकते हो अपने वार्म अप में, लाइक जब आप बॉलिंग करने वाले हो उसके बॉलिंग करने से पहले आप वार्म अप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो। देख सकते हो एकदम देखने में एकदम बहुत सॉफ्ट सा है, आपको लगेगा कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन जब आप इसको करोगे, लाइक अगर आप अच्छे से इसको 10 बार प्रेस करोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब जिस तरह से ये फिंगर में आपका पेन होगा ना इट विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड जिस तरह से नॉट ओनली फॉर फिंगर, जिस तरह से ये आपका रिस्ट हो गया, ये आपका पाम हो गया, पाम इसकी स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड स्पिनर्स लोग के लिए तो यूज़फुल है ही है, साथ ही साथ फील्डर्स लोग के लिए भी, क्योंकि फील्डर जब बॉल कैच करते हैं तो उसमें भी उसका फिंगर यूज़ होता है, फिंगर से हाथ से जब बॉल पकड़ता है तो फिंगर में लगता है, तो जब स्ट्रेंथ रहेगा आपका तो उसमें आपको कम चोट लगेगा। तो जैसे कि देखा इस बॉल का यूज़ बताया, इसे बोला जाता है जेल बॉल। ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, अमेज़ॉन से ही मैंने परचेस किया, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक से आप परचेस कर लेना। जितने भी क्रिकेटर हैं आपको शेयर करो, स्पिनर्स हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, फास्ट बॉलर लोग कभी देख सकते हो फिंगर यूज़ होता है रिलीज़ के टाइम, फिर नकल बॉल के टाइम भी फिंगर यूज़ होता है, कटर्स में भी फिंगर यूज़ होता है, तो सभी बॉलर के लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत यूज़फुल है भाई। देख सकते हो जिस तरह से अगर आप प्रेस करोगे तो ये पूरा दब सा जाएगा, देख सकते हो, एंड अभी देख सकते हो यहाँ पर लग रहा है, तो काफ़ी यूज़फुल है सभी स्पिनर्स के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल द क्रिकेटर्स टू यूज़ दिस एंड ऐड दिस इन योर वार्म अप। तो जितने भी बॉलर्स हैं जब भी बॉलिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे फिंगर में कभी कभी पेन रहता है, उसकी वजह से प्रैक्टिस मिस होता है, तो वो सारे बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनके फिंगर्स में अक्सर पेन होता है, रोटेशन करते हैं, बॉल डालते हैं, तो फिंगर स्पिनर का नॉर्मली ये होता है, पेन रहता है फिंगर में। तो जब आप इसे यूज़ करोगे, इससे आप एक्सरसाइज करोगे, इससे प्रेस करोगे रेगुलरली, वार्म अप में इसको ऐड करोगे तो आपका पेन कम होगा, आपका स्ट्रेंथ जब इंक्रीज़ होगा तो आपके बॉलिंग के टाइम जो आपका रिलीज़ होगा रिस्ट और फिंगर का जब यूज़ होगा तो आपका पेन कम होगा, ठीक है। तो उन सारे बॉलर्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। सो जिस तरह से ये बॉल है, ये बॉल से आप एक्सरसाइज करने के बाद, इसका यूज़ करने के बाद आप बॉलिंग करके फिर वापस से आना, यहाँ पर कमेंट में मुझे बताना कि हेल्प हुआ है कि नहीं, ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया, मेरा एक टीममेट इसको लिया था, मैंने कुछ दिन इसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने बोला कि मैं भी इसको यूज़ करूँगा, तो ये फिंगर के स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है। एक और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी के साथ किसी को मारना है तो इसे मार सकते हैं, चोट नहीं लगेगा। जैसे हम लोग वार्म अप में कभी कभी खेलते हैं ना छोटा छोटी सेका सेकी, तो वो भी आप खेल सकते हो। मतलब जैसे कि देखने में लग रहा है सॉफ्ट सा, ऐसे अगर आप जेल टाइप का, अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप इसे नोचोगे या टानोगे तो फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ये बहुत यूज़फुल है भाई, बहुत ही सही चीज़ है। तो ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करना सभी क्रिकेटर्स लोग के लिए, एंड वो सारे स्पिनर्स को जरूर शेयर करना जिनका रोटेशन नहीं होता, जिनका फिंगर नहीं लगता,
ठीक है, फिंगर में पावर आएगा, ऑटोमेटिक रोटेशन होगा, रिस्ट में पावर आएगा, तो रिस्ट स्पिनर का भी ये रिस्ट लगता है, फिंगर लगता है, तो बहुत यूज़फुल है। फास्ट बॉलर्स लोग के लिए यूज़फुल है, फील्डर लोग के लिए जब ये करके जाएगा तो फिर जब कैच पकड़ेगा तो फिंगर्स में स्ट्रेंथ रहेगा तो चोट कम लगेगा। बैट्समैन लोग के लिए भी है, लाइक अगर आप बैट पकड़ोगे तो आपका फिंगर तो यूज़ होते ही है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सभी क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट में जितना भी रोल है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, विकेट कीपर के लिए भी है, विकेट कीपर को भी हर बॉल पकड़ना पड़ता है तो फिंगर का यूज़ होता है, ठीक है। बट मेनली फॉर द स्पिनर्स एंड फॉर द फास्ट बॉलर, ठीक है। सो डू गो फॉर दिस जेल बॉल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेस करो, एंड बहुत चीप है यार, बहुत सस्ता है, बहुत महंगा बिल्कुल भी नहीं। सो ओके क्रिकेटर्स, आई होप आपको ये जेल बॉल का इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल लगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके क्रिकेटर्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सीजन इज गोइंग ऑन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यस परफॉर्म एट द राइट प्लेस। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।